अगर आप प्रधानमंत्री बन पाए हो, इसलिए बन पाए हो कि आप लोकतंत्र जिंदा रखा है, जान देकर के देश को एक रखा, अखंड रखा, इसलिए आप प्रधानमंत्री बन पाए हो, ये मत भूलो। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, इसके माने क्या हुआ? एक पार्टी शासन बहुत खतरनाक मंत्रा है आरएसएस की भी, बीजेपी की। अगर देश नहीं समझा टाइम पे, आने वाली पीढ़ियां भुगतेगी। रशिया की तरह, चाइना की तरह चुनाव तो होंगे, नकली चुनाव होंगे। एक पार्टी होगी वहां पर, एक पार्टी होगी, आपस में चुनाव लड़के नाटक करेगी और सत्ता में बार बार आएंगे। आज जो हम गरीब से गरीब, दलित के घर भी जाते हैं, किसान के घर पे जाते हैं, बूढ़े लोगों के हाथ लगाते पैरों के, एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, सर्वर बनने के लिए, सब बातें खत्म हो जाएगी। और मान सम्मान अगर पब्लिक में माई बाप का है, आप सबका है, तो ये कांग्रेस का दिया हुआ है। जो गवर्नमेंट और अहम चल रहा देश के अंदर, वो खतरनाक मोड़ ले रहा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी राहुल गांधी जी ने पहले बात की अडानी जी की, जवाब नहीं कोई भी। कांग्रेस शासन में जो कहावत अपने लोकल भाषा में, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उड़ के मारे कांग्रेस की सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में, सोनिया गांधी के वक्त में मुख्यमंत्री के इस्तीफे, कभी अशोक चव्हाण का इस्तीफा, विधानसभा देश का देशमुख जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उनका इस्तीफा हो गया। शिवराज पाटिल थे गृह मंत्री, उनका इस्तीफा हो गया। बंदर साहब थे हमारे रेल मंत्री, उनका इस्तीफा हो गया। अश्विनी कुमार थे लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री, उनका इस्तीफा हो गया। और मोदी जी के राज में इस्तीफे की बात छोड़ो, अगर एक कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस नंबर वन नेता